इस आपातकाल महामारी में मजदूरों का पलायन केवल इस सरकार की विफलता नहीं है, यह सभी सरकारों की असफलता है। गरीब इतना गरीब क्यों है कि चार दिन का काम ना करे तो भूखा मरने लगे। सारी सब्सिडी गरीबों को मिलती है, सस्ता राशन, गैस, माफ होने वाला लोन, शिक्षा, सस्ता घर, टॉयलेट, पेंशन सब गरीबों को मिलता है। जब कई सालों से सब कुछ फ्री मिल रहा है तो छह लोगों के परिवार में तीन लोग कमा रहे हैं, फिर भी आपातकाल के समय उनके पास कुछ हफ्तों का राशन भी नहीं है तो चिंता का विषय है। चिंता का विषय है जब उनको घर में बैठना है तो यह रोड पर खड़े हैं भीड़ लगाकर। यह लोग उस सरकार की क्यों नहीं सुन रहे जिससे कि इनको सारी उम्मीद है? शायद इसलिए कि सरकार ने इनको जीवन भर गरीब बनाकर रखा है, अमीर, समझदार, जिम्मेदार तो होने ही नहीं दिया। यह सभी सरकारों की नाकामी है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाओं की सुविधाएं तो दी पर उसको सहजना, संचय, संभालना, संजोना नहीं सिखाया, कद्र करना नहीं सिखाया। योजना बनाकर सरकार ने गरीबों को बिल्कुल गरीब कर दिया है, इनकी सोचने की शक्ति को गरीब कर दिया है, इतना गरीब कर दिया है कि आपातकाल की स्थिति में उनके पास कुछ हफ्तों का रिजर्व भी नहीं है। गरीबी में पैदा हुए लोग गरीबी में रहना चाहते हैं क्योंकि वह अमीर बनेंगे तो जिम्मेदारी आ जाएगी। सरकार गरीबों को सुविधा देती है कि गरीब गरीब बना रहे और सरकार को ख्याल करने के लिए हमेशा गरीब लोग मिलते रहें। गरीब गरीब रहना चाहता है कि उसको यह सारी सुविधाएं फोकट में मिलती रहे जिंदगी भर। ध्यान रहे, नुकसान तीनों का है, गरीब का, सरकार का और भारत का। जय हिंद, जय भारत।